न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने आज एक बार फिर रेवाड़ी में बसों का चक्का जाम करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे इस ट्रेलर को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने से पीछे नहीं हटेंगे। गुस्साए रोडवेज कर्मचारी नेताओं का कहना था कि तालमेल कमेटी के आह्वान पर पहले 24 घंटे चक्का जाम का फैसला लिया गया था, लेकिन कोरोना के चलते अचानक इसे 2 घंटे करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली बार हड़ताल के दौरान सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया था, लेकिन आज तक उन्हें लागू नहीं किया गया है। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से सभी मांगों को पूरा करते हुए हरियाणा रोडवेज के बसों में बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल की जाए और प्राइवेट स्कीम के तहत जो नई बसें लाई गई हैं उन्हें वापस लिया जाए। इसके अलावा सालों से बकाया कर्मचारियों का बोनस देने के साथ पंजाब के समान वेतन मान दिया जाए और रोडवेज का निजीकरण नहीं किया जाए। उन्होंने खट्टर सरकार को गठबंधन की बजाय ठगबंधन की सरकार बताया और चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर समय रहते उनकी मांगों को नहीं पूरा किया तो कोरोना से निजात मिलते के साथ ही फिर से यह ट्रेलर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। के आह्वान पर देश में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, तो उसमें कोरोना महामारी को देखते हुए हमने टीका चक्का जाम का फैसला लिया और प्रदर्शन करने का फैसला लिया कि जनता को दिक्कत ना आए। उसमें सरकार ने हमारी मांगे अब तक कोई भी लागू नहीं की है और एक काला कोरोना महामारी को देखते हुए काला कानून लागू करती जा रही है, जिससे आम जनता को भी नुकसान है और कर्मचारी को नुकसान है। अगर सरकार अपनी जिदों से पीछे नहीं हटती है तो आने वाले समय में रेवाड़ी रोडवेज डिपो की तालमेल कमेटी कोई भी आंदोलन करने को मजबूर होगी और जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। प्रोग्राम था रोडवेज की तालमेल कमेटी ने आज 26 तारीख को 24 घंटे का चक्का जाम का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए अचानक ये फैसला बदलना पड़ा कि क्योंकि अब कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर हमने ये हड़ताल 24 घंटे की ना करके सिर्फ 2 घंटे के लिए की थी। आज हम सरकार को बताना चाहते हैं 2 घंटे का ट्रेलर है हमारा, सरकार समय रहते हमारी तमाम लंबी मांगों को 6 जनवरी 2020 और 4 जून 2020 को जो मांगे गई मांगे थी उनको तुरंत लागू करे, जिसमें हमारी मुख्य मांग जो रोडवेज के अंदर नई 10,000 बसें शामिल करना और जो प्राइवेट स्कीम के तहत जो बसें लाई गई है जो माननीय उच्च न्यायालय भी इसको गलत माना था उनको वापस करे, सरकार बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल करे, जिससे हमारे हरियाणा के बेरोजगार लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। दूसरी, हमारी कई सालों से जो है हमारा बोनस बकाया है उनको लागू करें, पंजाब के समान वेतन माने उन्हें तुरंत लागू करें, वरना आज तो एक ट्रेलर है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जैसे कोरोना महामारी से निजात मिलेगी, ये हड़ताल पीछे जो 2018 में चालू हुई थी हमारी, उसी तरह अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल बदल जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार, क्योंकि सरकार ने आज जो सरकार में गठबंधन के तहत हमारे जो मुख्यमंत्री जो 18 दिन की हड़ताल के अंदर उन्होंने ये कहा था, मांगे मानी थी कि तुम एक जोटा ला दो, हम तुम्हारी मांगे तमाम लागू करेंगे, निजीकरण को रोक लगाएंगे, प्राइवेट बसें खत्म करेंगे, रोडवेज में बसें शामिल करेंगे। हम नहीं ये सोचते हुए कि भाई ये चौटाला साहब का खून है, जैसे चौटाला साहब ने पहले हमारी बसों में 3200 नई बसें लेकर जान डाली थी, उसी तरह से ये भी करेंगे, लेकिन ये अब गठबंधन नहीं ठगबंधन सरकार हो गई है। हम सरकार को बताना चाहते हैं समय रहते अपने इस ठगबंधन को बदले और रोडवेज के अंदर नई बसें शामिल करे, रोडवेज का निजीकरण बंद करे, हमारी तमाम लंबित मांगों को तुरंत लागू करे, वरना ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में जो रोडवेज की तालमेल कमेटी फैसला लेगी वो हम रेवाड़ी डिपो में भर चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद।